मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर ट्रेन कोच में लगी आग, यार्ड में खड़ी थी बोगी, कोई घायल नहीं। रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने, गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस का चक्का टूटा। कोरियर सॉन्ग खाने स्टेशन के बीच में एसी बोगी का चक्का टूटा, एक महिला जख्मी। गया हावड़ा एक्सप्रेस के 6 घंटे लेट होने पर यात्रियों ने मानपुर जंक्शन पर किया हंगामा, पथराव कर कई ट्रेनों के शीशे तोड़े। समस्तीपुर में मौर्य एक्सप्रेस का इंजन फेल होने पर यात्रियों ने किया हंगामा, गोरखपुर से ही ट्रेन की बोगी में एसी नहीं कर रहा था काम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में जाने को लेकर गरमाई सियासत, 7 जून को है नागपुर जाने का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया, आरएसएस नहीं है कोई आतंकी संगठन, राजनीतिक छुआछूत दूर होने का अच्छा संदेश। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, प्रणब मुखर्जी अब नहीं है किसी राजनीतिक दल के सदस्य, उन्हें विवाद में घसीटना ठीक नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, प्रणब मुखर्जी के दौरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन ऐसी विचारधारा से बचना चाहिए। विवाद को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कर ने कहा, कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा के पूरी तरह खिलाफ, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते नहीं किसी पार्टी के। आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कश्मीर में सीज फायर नहीं, सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, हमने सुरक्षा बलों के हाथ नहीं बांधे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लॉन्च किया व्यापक जनसंपर्क अभियान, पूर्व सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग के घर पहुंचे। मुलाकात में पूर्व सेना अध्यक्ष को दी 4 साल के कामकाज की जानकारी, मोदी सरकार के लिए मांगा समर्थन। अगले चरणों में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के घर आए अमित शाह, कार्यक्रम का नाम है संपर्क पर समर्थन। अभियान में अमित शाह समेत बीजेपी के 4000 वरिष्ठ नेता शामिल, 1 लाख बुद्धिजीवियों से करेंगे संपर्क। पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर, 5 दिवसीय दौरे में सबसे पहले इंडोनेशिया जाने का कार्यक्रम। आज और कल इंडोनेशिया में रहेंगे पीएम मोदी, आज शाम भारतीय कारोबारियों संघ जकार्ता में करेंगे बैठक। 31 मई को मलेशिया पहुंचेंगे पीएम मोदी, इसी दिन सिंगापुर में 20 सीईओ के साथ करेंगे बैठक। 1 जून को सिंगापुर में द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही पीएम मोदी नांगयांग यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद, मोदी ऐप के जरिए बातचीत। यूपी के कैराना उपचुनाव में 68 बूथों पर रीपोलिंग, ईवीएम खराब होने से चुनाव आयोग का फैसला। 30 मई को दोबारा डाले जाएंगे वोट, सबसे ज्यादा गंगोह में 45 बूथों पर रीपोलिंग। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, मशीन वहीं पर ज्यादा खराब हुई जहां पर बीजेपी का हारने का था शक। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने हर मंदिर साहब में माथा टेका, कहा पंजाब के उपचुनाव में सरकार ने वोटरों के बीच बांटी शराब। अलीगढ़ में मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष की उठाई मांग, सावरकर को दिया जाए भारत रत्न। वाराणसी हादसे में गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट तैयार, सूत्रों के मुताबिक सेतु निगम की इंजीनियरों की लापरवाही से गिरे थे बीम। वाराणसी हादसे में 18 लोगों की हुई थी मौत, मुख्य अभियंता वाई के गुप्ता और सुनील कुमार गुप्ता के अधीन बनी थी जांच टीम। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की सुरक्षा में बड़ी सेंध, सेवादार पर जानलेवा हमला। AK-47 आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी की थी तैनाती, लेकिन धारदार हथियार से हमला करता सरफिरा व्यक्ति। 14 मई को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर था विवाद, सीढ़ियों पर बैठकर की थी पूजा, सूत्रों के मुताबिक पत्नी के पैरों में था दर्द। आसमान पर तेल का भाव, पेट्रोल की 16 पैसे का इजाफा तो डीजल का दाम 14 पैसे। दिल्ली में सीएनजी 1.36 रुपए प्रति किलो हुई महंगी, नोएडा गाजियाबाद में 1.55 रुपए प्रति किलो सीएनजी के बड़े दाम। महंगे पेट्रोल पर पंजाब के समराला को किसानों का विरोध, एडीएम को सौंपी 1000 ट्रैक्टरों की चाबी। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से नेपाल सीमा पर बड़ी तस्करी, नेपाल में सस्ता है पेट्रोल। भारत सीमा पर स्थित पेट्रोल पंप मालिक परेशान, नेपाल में पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 18 रुपए सस्ता। सीबीएसई में 10वीं के नतीजों का ऐलान, इस बार 86% छात्र रहे सफल।
सफल। करीब 16 लाख बच्चों ने दी थी परीक्षा, दिव्यांग बच्चों की श्रेणी में अनुष्का पांडा है टॉपर। गुरुग्राम के प्रखर मित्तल के साथ चार छात्रों को मिले 499 नंबर, बिजनौर की शामली के रहने वाली है टॉपर लड़के। बच्चों के लोकप्रिय कॉमिक चाचा चौधरी का नया लुक, एचआरडी मंत्रालय ने प्रकाशित कराई किताब। सब शिक्षा अभियान के तहत किताब का प्रकाशन, 5वीं से 10वीं तक के लिए बच्चों के लिए कहानी। यूपी बिहार झारखंड में मौत के तूफान का कहर, 45 लोगों की मौत। यूपी में बीती रात 15 लोगों की गई जान और 9 में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आए 5 लोगों की मौत। रायबरेली और कानपुर शहर में भी 2-2 लोगों की गई जान, आकाशीय बिजली से 2 मवेशी भी मारे गए। मोहना में दीवार गिरने से 15 साल के बच्चे की मौत, पेड़ के नीचे दबकर बुजुर्ग की गई जान। रायबरेली में आंधी तूफान से गिरे घर, 2 लोगों की मौत। झारखंड में भी भयंकर तूफान का कहर, 13 लोगों की मौत। बिहार में भी आंधी तूफान का कहर, अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर। बिहार के कटिहार में तेज आंधी से 5 लोगों की मौत, कच्चे मकान पर पेड़ गिरने से हादसा। बिहार के औरंगाबाद में बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत, मृतकों में 4 महिलाएं और 1 मासूम शामिल। गया में आंधी तूफान से 6 लोगों की मौत, 7 जख्मी। मौसम विभाग ने झारखंड के 5 जिलों में अगले कुछ घंटे में तूफान का जारी किया अलर्ट, तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। अहमदाबाद में गर्मी का कहर, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। लखीमपुर में हुई झमाझम बारिश और गिरे ओले, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तराखंड के हल्द्वानी समेत कई हिस्सों में बारिश से जंगल में आग काबू में आई, फसल को भी हुआ फायदा। मौसम विभाग के मुताबिक फिर से दिल्ली में दस्तक दे सकता है तूफान, 30 मई बारिश का अनुमान। गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत, आज 43 डिग्री सेल्सियस तापमान का अनुमान। दिल्ली में 30,000 कोर्ट में गेट नंबर 2 पर फायरिंग, 1 शख्स को लगी गोली। पुलिस को गैंग वॉर की आशंका, आरोपियों की पेशी के दौरान हमला। राजस्थान के अलवर में पुलिस और गौरक्षकों में भिड़ंत, फायरिंग में 2 पुलिस वाले जख्मी। झांसी में दबंगों ने युवक को बांधकर पिटाई की। फरीदकोट में पलट गई बेकाबू रफ्तार से कार, हादसे के बाद दोनों फरार। मुंबई में एक मिठाई की दुकान में आग, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर। भरूच के अंकलेश्वर में एक फैब्रिक कंपनी में आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के पहाड़गंज में फर्नीचर गोदाम में आग, लाखों का माल खाक। बर्दवान में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग, आग बुझाने में लगे 2 घंटे। अंडमान के एक होटल में आग, 8 लोग बुरी तरह जख्मी, 3 साल के एक बच्चे की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पानी को लेकर हंगामा, महिलाओं ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। राजस्थान के धौलपुर में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा, सूख गए कुएं, पानी की जबरदस्त किल्लत। दिल्ली के सरता विहार में पानी की किल्लत पर कोहराम, जल बोर्ड के अधिकारियों को पहनाई गई चूड़ियां। उत्तरकाशी में पानी की जबरदस्त किल्लत, खाली बर्तन लेकर सड़क पर टैंकर का इंतजार। शिमला में जंगल की आग से दहशत, रिहायशी इलाकों तक पहुंचने का खतरा। गाजियाबाद में आदमखोर कुत्ते की दहशत, हमले में एक छोटी बच्ची की गई जान। अमरावती में बाइक सवार बदमाशों ने लड़की से की छेड़खानी, वीडियो वायरल। जोधपुर में अवैध शराब पर शिकंजा कसने पहुंचे आबकारी अफसर और मीडिया की टीम पर गुंडों ने किया हमला। बदमाशों ने तेजाब से किया हमला, पुलिस ने बाद में कुछ हमलावरों को पकड़कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। कन्नौज में मामूली विवाद में 2 गुटों में हुआ पथराव, कई लोग घायल।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।